सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के दौरान जो ड्रग एंगल निकल कर सामने आया है उसमें कई बड़े बॉलीवुड सितारों के नाम उजागर हुए हैं, जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, दिया मिर्जा के साथ सलमान खान का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद सलमान खान की लीगल टीम एक्टिव हो गई है और आधिकारिक रूप से बयान जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है सलमान खान या उनके सहयोगियों की क्वान में किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है। ऐसी बातें आसानी से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं और ऐसी खबरें खेदजनक हैं। दरअसल टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी एनसीबी की रडार पर है, क्योंकि कथित तौर पर एजेंसी के कुछ कर्मचारियों ने अपने ग्राहकों के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी। एजेंसी का नाम मीडिया में आने के बाद खबरें आने लगी थी कि उसका कनेक्शन सलमान खान के साथ भी है, लेकिन सुपरस्टार की लीगल टीम की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि सलमान का इस एजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट। दरअसल हाल ही में एक टीवी चैनल ने लगातार क्वान के कनेक्शन को लेकर सलमान खान के नाम को अपने शो में घसीटा था, जिसके जवाब में सलमान खान की लीगल टीम ने बयान जारी किया है। बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों के ड्रग सेवन के मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और एक टैलेंट मैनेजर एजेंसी के सीईओ ध्रुव चित गोपेकर को पूछताछ के लिए तलब किया है। वही खबर है कि जल्द ही शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की जा सकती है। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के दौरान रिया ने 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, जिनके साथ जल्द ही पूछताछ हो सकती है। वहीं अब तक ड्रग कनेक्शन में 19 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें रिया चक्रवर्ती और भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ सुशांत का हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा और कुक दीपेश सावंत शामिल हैं। देखना अब ये होगा कि आगे और क्या नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।